नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बदमाशों और लुटेरों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब बदमाशों के मन में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं बचा है। लूट का एक मामला आगरा से सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाश एक प्रॉपर्टी डीलर के बेटे से करीब 1.5 लाख रुपए लेकर भाग गए। ये घटना उस वक्त घटी जब प्रॉपर्टी डीलर का बेटा पैसों का थैला ऑफिस से घर लेकर जा रहा था। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मैं यहाँ से पैसे लेके गया, अपने घर पहुँचा, घर के बाहर ही मैंने लड़के को पैसे दिए। दो लड़के पल्सर मोटरसाइकिल से मेरे पीछे लगे यहाँ से, और वो लड़के से पैसे का थैला छीनकर भाग गए। ये आज दिन की घटना है। बैंक से पैसा निकाल के 1.5 लाख रुपया एक प्रॉपर्टी डीलर को दिया था। वो प्रॉपर्टी डीलर जब अपने घर के अंदर उनका लड़का प्रवेश करने वाला था, उसी दौरान दो बाइक सवार अज्ञात युवकों ने उनका जो पैसा जिसमें रखा था उसको छीन करके भाग गए। चंदौली में एक तेज रफ्तार टैंकर ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और स्कूटी चला रहा युवक घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे को देखकर आसपास के लोग आक्रोश में आ गए और टैंकर चालक को पकड़कर पीटने लगे। पुलिस ने बीच बचाव करके लोगों के चंगुल से ड्राइवर को बचाया और थाने ले गए। आइए आपको सुनाते हैं घायल युवक का क्या कहना है। बीच रास्ते में जा रहा हूँ तो मुझे मारे होते तो मैं मानता हूँ। टैंकर वाले ने साइड से मारा, हम लोग गिरे और फिर उसी के ऊपर उन्होंने चढ़ा के दिया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की बम्पर जीत के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं जश्न मना रहे हैं। खबर चंदौली से है। भाजपा के गृह मंत्री के गृह जनपद में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। जीत की खुशी से लबरेज भाजपाइयों ने मुगल सराय में जुलूस निकालकर ढोल नगाड़ों और नारेबाजी करते हुए जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मिठाइयां भी बांटी। चंदौली न सिर्फ गृह मंत्री राजनाथ सिंह का गृह जनपद है, बल्कि उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यही से सांसद भी हैं। सरकार से गुजरात और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय हासिल की है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में सारा देश विश्वास कर रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर अपनी नीतियों को साबित कर दिया है। आज हम सब लोग उत्साहित हैं। प्रदेश अध्यक्ष और गृह मंत्री जी का जिला है, कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं और नारा लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जय, और हम सब खुशियां बांट रहे हैं। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर आगामी 28 दिसंबर से 18 जनवरी तक लाइफलाइन ट्रेन के जरिए लोगों का इलाज किया जाएगा। लाइफलाइन ट्रेन में कैंसर जैसी बीमारी के परीक्षण और प्रारंभिक इलाज की व्यवस्था रहेगी। पूर्व लाइफलाइन एक्सप्रेस गाजीपुर में 21 दिन थी। मोटे तौर पर लगभग 8000 लोगों का इलाज उसमें हुआ था। पुनः 28 दिसंबर से 18 जनवरी तक गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर लाइफलाइन एक्सप्रेस रहेगी, तो मोतियाबिंद कम जो लोग सुनते हैं उनको ये होठ कटे होठ का, और इस बार एक एडिशनल फीचर उसमें कैंसर का भी जुड़ा है, जिसमें टाटा मेमोरियल के डॉक्टर रहेंगे। विस्तार से हमने आपको बताया है कि किन किन बीमारियों का रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग कब है और सर्जरी कब है। एक बार फिर सरकारी स्कूलों में बच्चों से शिक्षा के नाम पर काम कराए जाने का मामला सामने आया है। जशपुर जिले के कदम कछार प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चों से स्कूल परिसर के पीछे खाली जगह पर गोबर से लिपाई कराई जा रही है और झाड़ू भी लगवाया गया। देखें इस रिपोर्ट में। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसी कई स्लोगन हमने अक्सर सुनते आए हैं। ऐसी ये खबर यूपी के जशपुर की है, जिसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां स्कूल में ही बाल मजदूरी का जीतता जाता उदाहरण इस तस्वीर में साफ साफ नजर आ रहा है। इन बच्चों के माँ बाप जो स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, पर यहाँ के शिक्षक इनसे बाल मजदूरी करवाने में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं बच्चों का इस बारे में क्या कहना है। क्या कर रहे थे तो पीछे में? गोबर से लिपाई कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्या हम लोग का स्कूल टूट रहा था और सीमेंट का
उछड़ उछड़ के गिर रहा था। बाहर बैठेंगे हम? बाहर में बैठने के लिए, वहाँ बैठने के लिए बना रहे थे, वहाँ बैठने के लिए बना रहे थे। वहीं इस मामले में शिक्षक का क्या कहना है, आइए देखें। और सर कह के गए थे कि स्वीपर लिप रही थी शायद, तो ये ठेकेदार लोग आए हुए थे कि सोमवार को सामान हटाना है, मंगलवार से छत तोड़ेंगे। तो हम लोग सर बोले थे कि अब ये कहाँ बैठाएंगे, तो इसलिए वहाँ शनिवार दिन लेबर लगा के छिलाई विलाई करवाए थे, फिर थोड़ा सा गोबर से लिपने स्वीपर को बोले थे। बच्चे जो कर रहे थे? बच्चे को तो नहीं जाना, हमें बच्चे लोग बाद में पानी में उन्हें पहुँचा दिए होंगे। इस मामले को लेकर जब जिला के शिक्षा अधिकारी एन कुजूर ने बात करने की कोशिश करनी चाही तो उन्होंने इस बात पर साफ साफ इनकार कर दिया। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने भी इस मामले में अपनी कोई प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया। जब जिला के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए खुद सुनिए। जितने भी नए स्कूल बन रहे हैं सारे लेंटर के बन रहे हैं, तो अब तो फर्श भी पक्का का बनता है, तो वहाँ गोबर लिपने का सवाल नहीं है। हाँ, पहले प्राचीन काल में जब खपरा के मकान बनते थे स्कूल भवन, उस समय जरूर मतलब गोबर से लिपाई होती थी, हर शनिवार को लिपते थे, हम लोग भी लिपते थे। आपने देखा कि स्कूल की यह हालत साफ साफ बयां कर रही है कि बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। और तो और इस पर कोई कुछ कहना नहीं चाहता और ना ही इस पर किसी तरह का कोई कदम उठाना चाहता है। गुजरात और हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनने की खुशी की लहर उत्तर प्रदेश में भी जोरदार दिखाई दे रही है। जौनपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुजरात और हिमाचल की जीत पर जश्न मनाया है। नगर के जेसी चौराहे पर स्थित पार्टी कार्यालय पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पटाखा जलाकर गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने पर पीएम मोदी और अध्यक्ष अमित शाह को हार्दिक बधाइयां दी हैं। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर गुजरात और हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनने पर जीत का इजहार एक दूसरे से गले मिलकर किया है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है और पार्टी 2019 किसी भी कीमत पे जीतेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तय कर लिया है। आज की जीत में वो एकदम मस्त होकर के वो तय कर चुका है कि 2019 भारतीय जनता पार्टी का है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।